जगह बहुत सूजी हुई मेरी, और ये जो नील पड़ा हुआ है ये देखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से, आप लोग की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुँह का हाल मेरे देख के समझ गए होंगे कि ये क्या हुआ है। कल रात अली के साथ मैं बाइक पे जा रही थी मेडिसिन लेने के लिए, रात का टाइम था और हम अपने ही रोड पे थे। वो चलता फिरता रोड है, मतलब मेन रोड है, कोई इस तरह का नहीं गलियाँ गुलियाँ। और वहाँ पे एक हुआ है हमारे साथ हादसा। वो हादसा ऐसे हुआ है, पीछे से गाड़ी आई है, उस गाड़ी ने हमें बहुत ज़ोर की टक्कर मारी। हम अपने रोड पे सही जा रहे हैं, पीछे से दो फैमिली और भी बाइक पे आ रही थी, हम अपने रोड पे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उस गाड़ी ने हमें इतनी ज़ोर की टक्कर मारी कि बड़ी दूर जाके मैं मतलब कि इस तरीके से गिरी हूँ, और मुंह के बल सीधा गिरी हूँ, इसलिए मेरी आँख का ये हाल हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये काफ़ी यहाँ पे सोजन है, यहाँ पे भी सोजन है, ये सारी आँख। पता नहीं वो कौन लोग थे कौन लोग नहीं थे, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर कोई हादसा होता है ना तो वो रुक जाते हैं। इस तरह के कुछ लोग होते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है वो रुक जाते हैं, ख़ासतौर पे लेडीज़ साथ हो तो रुक जाते हैं, पूछते हैं। लेकिन उन लोगों ने भागने की फ़ौरन, नहीं मालूम वो लोग कौन थे। ब्लैक कलर की गाड़ी थी, काफ़ी देर से वो गाड़ी मतलब के पीछे, काफ़ी हम जब स्टोर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है जहाँ से मेडिसिन मिलती है। कुछ आपको पता है मेडिसिन छोटे मोटे स्टोर पर नहीं मिलती है, कुछ बड़े स्टोर पर मिलती है। तो वो मैंने देखा था काफ़ी टाइम से जो है ना वो गाड़ी इस तरह साथ चल रही थी, तो वही हमें टक्कर मार के जो है ना आगे गुजरी इस तरह से। और पीछे जो फैमिली थी उन्होंने आके हमें उठाया, जो वो भी बाइक पे आ रही थी। शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि मेरा बेटा जो है ना कुछ भी नहीं हुआ, बच बच्चा हो गया उसका, कहीं ऐसी चोटें नहीं आई कि जहाँ पर उसको सोजन हो या कुछ दर्द हो रही हो। दर्द जिस समय हो जाती है जब इंसान गिरता है, बदन में दर्द हो जाती है, और मेरा एक घुटना बहुत बुरे तरीके से पड़ गया है, दूसरे पे खराशें आई हुई हैं। आप होता है घुटना हड्डी होती है, हड्डी में तो फिर चोट लगे तो वो कितना दर्द करता है। बाकी ये छोटी मोटी जो है उंगलियों पे निशान है इस तरीके से, ये इस तरीके से हल्के हल्के से जख्म है, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। और यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर मुझे पूरा एक वो बना हुआ है, गिरी हूँ ना तो इस वजह से, तो जिस्म में बहुत दर्द है, जिस्म जैसे टूट रहा है। उसके बाद फौरन हम लोग गए थे, टाइटस का इंजेक्शन लगवाया और घर पे फिर आई मैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, मुकद्दर तकदीर में जो लिखा हो नसीबों में बंदा बदल नहीं सकता, ये लिखी थी हमें चोट जो मिली है खा के बैठे, बस इस तरह का सीन है। तो पर अब घर तो नहीं बना रुक सकता ना, घर के काम भी करने होते हैं। ये जो मुझे सोजन है ना, इस सोजन की वजह से मेरा पूरा सर जो है ना वो दर्द कर रहा है। और मैंने आके फौरन वो टकोर की थी कि स्वेलिंग ना हो, तो थोड़ी सी गर्म करके ना कपड़ा उसकी टकोर की थी, लेकिन ये फिर भी उसी टाइम में मुझे लग रहा था, बस मेरा दिमाग जो है ना घूम गया था, क्योंकि मैं यूं गिरी और उस टाइम मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने फौरन जो है ना वो जब मैं गिरी हूँ ना, मैं अपनी चादर को यूं खींच रही हूँ, मैं पागल हो गई थी, मुझे लगा पता नहीं चेन कवर में चादर आ गई है। ढस की आवाज़ आई थी बड़ी ज़ोर की, इसे लगा किसी ने कोई चीज़ मारी हो। और लेकिन मैं पजल हो गई थी कि ये हुआ क्या मेरे साथ, मुझे अपने बेटे की पड़ गई थी, अली की पड़ गई थी मुझे। मैंने कहा पता नहीं क्या, अल्लाह रहम करे, मुझे उसकी हो गई थी, उसको मुझे मेरी लग गई थी। बस ऐसे ही इंजेक्शन वगैरह लगवाया, टाइटस का सब कुछ किया, तो बस ये हाल है। चले जी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं, और बस तबीयत में नहीं रहा मज़ा, बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है जी। मैंने कल का व्लॉग स्टार्ट किया था, आज है दूसरा दिन, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बस
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम जाने लगे हैं स्कूल। कल हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, हमारी बाइक भी सारी ख़राब हो गई है मेरे पुत्र की, है ना? मरगाड़ मिल गया था। मरगाड़? हाँ, नंबर प्लेट मिल गई है। हाँ सही, हैंडल मिल गया, सही करवा दूँगी, कोई बात नहीं, जाने तो जहाँ है। ध्यान से जाना। हाँ, मोनाली मदद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? मैंने कल का व्लॉग स्टार्ट किया हुआ ये, और आज है दूसरा दिन। कल आप लोगों को बताया था अपने एक्सीडेंट के बारे में, और आज मेरी आँख थोड़ी सी ज़्यादा खुल रही है कल से, और ये बस निशान जो है ना, ये निशान यहाँ पे रह गया हुआ है, हट जाएगा ये भी आहिस्ता आहिस्ता। ये जगह बहुत सूजी हुई मेरी, और ये जो नील पड़ा हुआ है, ये देखें, ये जो नील पड़ा हुआ है ना, बस ये ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। बच्चे स्कूल चले गए हैं, और मौसम आज कुछ ठंडा बना हुआ है, और बस आते हैं अपनी आहिस्ता सा रूटीन में। ये धक्के ज़िंदगी के जो होते हैं ना, ये होते चलते रहते हैं ज़िंदगी के साथ ही होते, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ होना था, हो गया। शुक्र है मेरे बच्चे की जान बच गई, उसको कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों की दुआएं हैं बस हमारे साथ। तो थोड़ी सी पीती हूँ चाय, और फिर बैठती हूँ, देखती हूँ क्या काम कर सकती हूँ, क्योंकि अभी घुटनों की वजह से ना मैं तो पूरी तरीके से कोई काम नहीं कर पा रही। उठती हूँ फिर देखती हूँ उसे क्या कुछ हो पाता है, जो भी कुछ हुआ या नहीं हुआ काम, तो फिर देखती हूँ क्या होता है जी। यहाँ पर मेरी चाय भी ख़त्म होने वाली है। अब मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा सो जाऊं, क्योंकि जिसम में जान नहीं है, बहुत दर्दें हैं, बहुत ज़्यादा इतनी दर्द और तकलीफ़ हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए अब रेस्ट करूं, सो जाऊं, फिर मैं शाम को जो है ना आप लोगों से शाम को मिलती हूँ। तब तक मैं थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ, ये थोड़ी सी रह गई है इसको मैं पी लेती हूँ, और शाम को आप लोगों से मिलती हूँ। कौन सा मिस्त्री बाइक ठीक करता है? बाइक काम करवा के आया अली, और सारी बाइक जो है ना सारा मुड़ा पड़ा है, ये भी मुड़ा हुआ है यहाँ से। ये डेंटर के पास जाऊँगा, सही करवाना है। नंबर प्लेट भी टूट गई थी, ये भी मुड़ा था, ये सारे क्या बोलते हैं इसको, डेंट, डेंट पड़ गए। हाँ हाँ, सारे पड़ गए हैं, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से लगी थी। अभी ये जाके सही करवा के आए, और इसका जो फुट रेस्ट था वो भी टूट गया था, ये भी नया लगवा लेंगे। ये देखें टूटा पड़ा है, ये हम इतने बुरी तरीके से गिरे थे, और इसकी नंबर प्लेट जो है ना वो पूरी तरीके से टूट गई थी। चले, जान तो बच गई ना, छोटा मोटा बस नुकसान हुआ है। अभी कुछ सेट करवा के आया है, उस दिन बहुत बुरी हालत थी इसकी बाइक की। अली अपने बाइक को बहुत अच्छा रखता है, साफ़ सुथरा करके, बहुत अच्छे तरीके से इसने अपनी बाइक रखी हुई है, बहुत साफ़ सुथरी करके रखता होता है। यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, प्याज जल गए थे तकरीबन, जलने लगे थे, तेरे चक्करों में आके बैठी हूँ, प्याज ही मेरे जलने वाले थे। कपड़े चेंज कर ली, नया सूट पहना हुआ पुत्र, यहाँ पर मेरा सालन भी बन के हो गया है तैयार, बन चुका है सालन। और साथ जो है ना, ये हुसैन के लिए थोड़े से चावल बॉयल किए, वो दही के साथ खाता होता है, और ये टमाटर टमाटर जो अली लेकर आया था अली, वो सारा वॉश करके तो बस फ्रिज में रखती हूँ, धनिया मिर्च वगैरह सब कुछ। तो बस जल्दी से बच्चों को देती हूँ खाना, अली को मैंने भेजा है साथ वाले तंदूर से जाके रोटियाँ ले आओ, तो फिर जल्दी से खाना खाते हैं।